हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रेडमी के वाई टू के बारे में। अगर रेडमी वाई टू के अंदर आपको आपको 4G की स्पीड नहीं मिल पाती है तो आप उसे कैसे 4G की स्पीड में कर सकते हैं और अच्छी स्पीड ला सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में यहाँ पर आपको थोड़े बहुत अपडेट में डिफरेंट्स मिल सकते हैं, बाकी और कुछ देखने को नहीं मिलेगा डिफरेंट्स। तो यहाँ पर आपको सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाना होगा, तो सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क पर चलते हैं। और यहाँ पर पहले सिम को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, जो इन सभी आप नेट चलाते हैं जिस पर, उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप को आपको इसको खोलना है। खोलने के बाद प्रेफर्ड 3G और 2G ओनली आपको दिखता होगा, तो यहाँ पर प्रेफर्ड LTE पर आपको लगा देना होगा। तो ये 4G है, इस पर ही लगाइएगा। और यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क आपको दिखते हैं, तो मोबाइल नेटवर्क पर आपको जाना है। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क आपको दिखेंगे, इसको बंद कर देना है। सर्चिंग होगी थोड़ी देर की, तो आपको वेट करना है और 2 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बैक लाइए और उसके नीचे जाइए यहाँ पर मोर के ऑप्शन पर, और यहाँ पर लगा दीजिए एक दफ़े एरोप्लेन मोड को एंड उसको बंद कर दीजिए। बस आपको यही करना है, उसके बाद आपको आपकी स्पीड अच्छी होने लग जाएगी। और इस ये जो है आपको 2 मिनट का ही वेट करना है बस, और उसके बाद स्पीड अच्छी एंड आपको 4G की स्पीड भी मिलने लग जाएगी। तो ये था प्रोसेस। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।